साथ बच्चों, कक्षा 10वीं विषय हिंदी और पाठ हमारा कौन सा है? यह दंतुरित मुस्कान व फसल काव्यखंड के अंतर्गत पाठ 6 और इसके कवि हैं नागार्जुन और व्याख्यान संख्या है इसकी आज दूसरी। पहले व्याख्यान में हमने इस कविता को पढ़ा था, इसके भाव को समझा था और आज इसके व्याख्यान के अंतर्गत हम जो पठित काव्यांश जो है, मतलब जो कविता आपने पढ़ी थी उसके ऊपर आधारित प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। उसके साथ ही हम जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो कवि परिचय, तो कवि तो हमने आपको बता ही दिया कि इस कविता के जो कवि हैं वो नागार्जुन जी हैं और नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गाँव में 1911 में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई थी और फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए थे और इनका निधन 1998 में हुआ था। और जो नागार्जुन जी है वो यात्रा बहुत करते थे और अखड़ी स्वभाव के थे, घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, इसीलिए उनको यायावर यात्री भी कहा जाता है काव्य की दुनिया के अंतर्गत। अब हम दंतुरित मुस्कान का सार, दंतुरित मुस्कान का सार जो है, दंतुरित मुस्कान कविता के अंदर छोटे बच्चे की मनमोहक मुस्कान का वर्णन किया गया है। दंतुरित मुस्कान वह मुस्कान होती है जब छोटा बच्चा जो होता है उसके जब आगे के दांत निकलते हैं, नए नए जब दांत आते हैं तो वो हंसता है, मुस्कुराता है, तब उसके वो दांत दिखाई देते हैं, ऐसी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा गया है। तो इसके अंदर भी छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, नागार्जुन जी के मन में जो भाव, जो विचार उमड़ते हैं, उन्होंने कविता में उनको अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है, कि इस मनोहारी मनमोहक सुंदरता के अंदर जो शिशु की जो दंतुरित मुस्कान है उसी के अंदर जीवन की का संदेश छिपा हुआ है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी कोमल हो जाए, कि ऐसी दंतुरित मुस्कान, मनमोहक मुस्कान को देखकर जो कठोर हृदय वाला व्यक्ति होता है, अर्थात जिसका मन बड़ा ही कठोर हो, वह भी उसको देखकर पिघल जाता है, दयालु हृदय वाला द्रवित हो जाता है। और इस मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है, मतलब इसकी जो मोहकता है और बढ़ जाती है, छवि और अधिक बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बागपन जुड़ जाता है, कि जब नज़रें मिलती है, कनखियों से बच्चा देखता है, फिर मुस्कुराता है, तो ये सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है उस समय पर। तो कविता हमने पढ़ी थी, कविता इस प्रकार से थी कि यह दंतुरित मुस्कान तुम्हारी, यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे यह गात, गात का अर्थ क्या था? शरीर। और धूली धूसर का अर्थ क्या था? धूल से सना हुआ। तालाब छोड़कर मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, कि तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में, जलजात का अर्थ क्या होता है? कमल, कि जल में जो उत्पन्न हो वह जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, कठिन का अर्थ क्या होता है? कठोर। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शिफाली का के फूल, बांस था कि बबूल। तो इस काव्य, ये जो काव्यांश हमने पढ़ा इसी के ऊपर आधारित हमने कुछ यहाँ प्रश्न नीचे लिखे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे और साथ ही साथ कविता के में जो कवि ने जो अर्थ लिया है, जो कवि कहना चाहता है उसको भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर जो हमने पद्यांश पढ़ा उसमें से पहला प्रश्न है कि दंतुरित मुस्कान किसे कहा गया है, कि दंतुरित जो मुस्कान है वो किसे कहा जाता है। तो जब बच्चे के नए नए दांत आते हैं तो ऐसी जो मुस्कान होती है उस मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि शिशु के धूल सने शरीर को देखकर कवि को कैसा प्रतीत होता है। शिशु का अर्थ क्या है? बच्चा, कि बच्चे का जो शरीर है वो धूल मिट्टी से सना हुआ है, उसको देखकर कवि को कैसा प्रतीत होता है, कैसा लगता है। तो छोटा बच्चा मिट्टी में खेलता है, शरीर उसका धूल से लथपथ हो जाता है और कमल जो होता है वो भी कीचड़ में खिलता है, तो इसलिए यहाँ पर धूल सने शरीर को देखकर कवि जो है यह कहता है कि धूल से सने हुए शरीर वाले उस बच्चे को देखकर मुझे ऐसा लगता है
जैसे कमल का फूल मेरी झोंपड़ी में आकर खिल गया हो। यानी कि धूल सना शरीर जो था वो यहाँ पर कवि ने उसको किसके समान बता दिया, कमल के समान बता दिया है। आशय यह है कि शिशु की सहज सुंदरता को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो उठता है। तीसरा प्रश्न है कि झोंपड़ी में कमल खिलने का आशय स्पष्ट कीजिए, कि इसका आपको आशय बताना है कि इसका अर्थ क्या है। तो झोंपड़ी में कमल खिलने का आशय है झोंपड़ी में आनंद और प्रसन्नता का छा जाना, क्योंकि यहाँ पर संभावना की गई है। ऐसा नहीं है कि तालाब ही झोंपड़ी में आ गया है, उसमें कमल खिल गए हैं। यहाँ तो बच्चे को कमल के रूप में देखा गया है और बच्चे को देखकर मन में आनंद उमड़ता है, प्रसन्नता आती है। तो इसलिए झोंपड़ी में कमल खिलने का आशय क्या हो गया कि झोंपड़ी में आनंद और प्रसन्नता का छा जाना। अगला प्रश्न है, पाषाण के पिघलकर पानी बनने में कवि ने क्या कल्पना की है। पाषाण का अर्थ क्या बताया था, पत्थर। तो पत्थर के पिघलकर पानी, पत्थर का मतलब जो था वो पिघलकर पानी बनना, तो इसमें कवि किस चीज़ की कल्पना करता है। तो पत्थर तो पिघलकर पानी नहीं बनता, पत्थर यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया, कठोर हृदय वाले मनुष्य के लिए। तो यहाँ पर कवि कल्पना करता है कि शिशु जो है वो अगर पत्थर को भी स्पर्श कर ले, पत्थर को भी छुए, तो उस चट्टाने जो है वो भी पिघल जाती हैं या पिघल गई होंगी या नदियों के रूप में बह निकली होंगी। अर्थात कवि कहता है कि जो कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी होता है वह द्रवित हृदय वाला हो जाता है। तो कल्पना किसकी की यहाँ पर, कल्पना यहाँ पर यही की है कवि ने कि शिशु के को छू कर के चट्टाने जो थी वो पिघल कर पिघल गई होंगी और उनमें से नदियाँ बह निकली होंगी। अगला प्रश्न है, बांस और बबूल किसके प्रतीक है। तो बांस जो होता है और जो बबूल होता है ये बड़े ही नीरस और कांटेदार रूखे वो होते हैं पेड़, इनमें कांटे होते हैं और बड़े ही रूखे होते हैं। तो इनका जो कवि ने प्रयोग किया है वो किसके लिए किया है, तो इन पेड़ों का जो कवि ने प्रयोग किया है तो वो कठोर स्वभाव वाले मनुष्यों के लिए प्रयुक्त किया है, कि कठोर हृदय वाला, कठोर मन वाला, उसके लिए यहाँ कवि ने बांस और बबूल का प्रयोग किया है। अगला पद्यांश था हमारा कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेश। अनिमेश का अर्थ क्या था, लगातार देखना, बिना पलक झपकाए देखना, टकटकी लगाकर देखना। थक गए हो आंख लूं मैं फेर, कि यदि तुम थक गए हो तो मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ। उसके बाद कवि कहता है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार। उसके बाद है, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। कि माध्यम का अर्थ क्या होता है, सहारा बनना। तो माँ माध्यम न होती तो कवि कह रहा है कि शायद मैं आज भी तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान नहीं देख पाता। तो यहाँ पर इस पद्यांश पर आधारित भी हमने यहाँ प्रश्न लिखे हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें कि बच्चे की किस अदा पर कवि कहता है तुम मुझे पाए नहीं पहचान। तो ऐसी कौन सी अदा थी बच्चे की जिसके कारण कवि ने यह बात कही कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो बच्चा था, शिशु जो था, अनजान कवि को, कवि उसके लिए क्या था, अनजान था। तो उसको पहली बार जब उसने अपने सामने देखा, मतलब पहली बार उससे मिला, तो उसको एक टक निहारने लगा। आपने देखा ही होगा, छोटा बच्चा जब घर में होता है और कोई अनजान आदमी आ जाए तो बच्चा उसको एक टक निहारता रहता है, उसको पहचानने की कोशिश करता है, तो वो बिना पलक झपकाए उसको देखता रहता है। तो ये बच्चा जो था वो भी ऐसे ही कर रहा था और उसकी आंखों में अपरिचय और उत्सुकता का भाव था, कि वो जानता भी नहीं था लेकिन उत्सुकता का भाव था, जानना चाहता था। शिशु की इस मोहक अदा पर कवि ने ये शब्द कहे हैं, कि जब कवि ने बच्चे को ऐसे देखा तो इस अदा पर ही कवि ने यह बात कही है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कि लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पाए। अगला प्रश्न है,
शिशु कवि को क्यों पहचान नहीं, क्यों नहीं पहचान पाया, तो इसका भी कारण था कि भाई उसको वो पहचान क्यों नहीं पाया था, क्योंकि कवि जो था वो पहली बार बच्चे से मिला था, यानी बच्चे ने उसको पहली बार ही देखा था, और जब छोटा बच्चा किसी को पहली बार ही देखता है तो वो पहचान नहीं सकता, क्योंकि पहचानेगा कैसे जब उसने उसको कभी पहले देखा ही नहीं। छोटे जो बच्चे होते हैं बेटा, वो उन्हीं को पहचानते हैं जो उनके साथ में रहते हैं, अनजान व्यक्तियों को बच्चे नहीं पहचान पाते। तो शिशु ने भी, यहाँ जो बच्चा था उसने कवि को पहली बार देखा था, सो वह उसे पहचान नहीं पाया। अगला प्रश्न है, शिशु ने कवि को किस प्रकार पहचाना। अब पहचान हुई तो वो पहचान किस प्रकार से हुई, तो पहचान का माध्यम कौन था, यहाँ पहचान जो कराई गई वो किसने कराई थी, बच्चे की माँ ने कराई थी, तो बच्चे की माँ ने बच्चे को कवि से परिचित करवाया, तभी वह मुस्कुराया और कवि से थोड़ा बहुत शायद हिल मिल पाया हो। तो परिचित कैसे, जो पहचान हुई वो किस प्रकार से हुई, माँ के माध्यम से हुई, कि माँ ने दोनों का परिचय करवाया। अगला प्रश्न है, इस पद्यांश में बाल मनोविज्ञान का कौन सा दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो बाल मनोविज्ञान, तो बाल मनोविज्ञान का यहाँ पर बहुत ही सहज सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि बच्चे किसी अनजान व्यक्ति को पहली बार जब देखते हैं तो वो उनको घूर कर ही देखते हैं, मतलब वो टकटकी लगा कर ही देखते हैं, क्योंकि वो उनको पहचान नहीं पाते और वे उसे इस प्रकार से निहारते हैं मानो उसे अपने मन में बिठाने का या मतलब उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हों। प्रायः वे अनजान व्यक्ति को देखते देखते गुम हो जाते हैं, मतलब वो एकदम से जब अनजान व्यक्ति को देखते हैं तो वो बिल्कुल गुमसुम हो जाते हैं, एक मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है, बच्चा न हिलता है न डुलता है न पलके झपकाता है, कि वो अपना पूरा ध्यान उसको जानने पहचानने में लगाने का प्रयास करता है। ये बच्चों का मनोविज्ञान होता है, कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसका ये मनोविज्ञान है कि वो मन स्थिति उसकी ऐसी ही होती है। तो अगला जो पद्यांश है हमारा वो है कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। यहाँ धन्य तुम किसके लिए प्रयुक्त हुआ, बच्चे के लिए। कवि बच्चे को भी धन्य बताता है और बच्चे की माँ को भी धन्य बताता है। धन्य का अर्थ सम्मान देना भी होता है, कि भाई तुम भी सम्मान के लायक हो और तुम्हारी माँ भी। चिर प्रवासी में इतर में अन्य। चिर प्रवासी का अर्थ क्या बताया था हमने आपको, कि जो लंबे समय तक दूर देश में रहे। मैं इतर में अन्य, कि मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा हूँ, अन्य कोई पराया हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अतिथि यहाँ पर कवि ने अपने आप को बताया है। अतिथि किसके लिए प्रयोग किया, अपने आप के लिए किया है, कि मैं तो तुम्हारे लिए क्या हूँ, अतिथि हूँ भाई, मेरे साथ तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा। उंगलियाँ माँ की कराती रही हैं मधु पर, कि तुम्हारी माँ की उंगलियाँ ही तुम्हें मधुपान खिलाती रही है। मधुपर्क का अर्थ क्या था, कि पाँच चीज़ों का जो मिश्रण होता है उसको मधुपर्क कहा जाता है। पाँच चीज़ें कौन कौन सी थी, तो वो पांच चीज़ें थी, दही, घी, शहद, पानी और दूध। इनके मिश्रण से जो बनता है वो मधुपर्क, उसको ना बच्चों पंचामृत भी कहा जाता है, क्योंकि पांच चीज़ों के मिश्रण उससे संयोग से बनता है, इसलिए पंचामृत भी उसको कहते हैं। तो आगे है, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, कि जब तुम कनखियों से देखते हो, तिरछी नज़रों से देखते हो, और जब मेरी और तुम्हारी आंखें मिलकर चार होती है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे बड़ी ही सुंदर, छविमान, बड़ी मनोहारी लगती है। तो इस पद्यांश के ऊपर आधारित जो प्रश्न है वो उसमें पहला प्रश्न है कि कवि किसकी माँ को धन्य कह रहा है और क्यों। तो माँ किसकी थी, यहाँ पर बच्चे की माँ थी। तो कवि ने इसके दो कारण हैं, और क्यों कहा है तो उसके भी दो कारण हैं। तो पहला कारण तो ये हो सकता है कि उसने ऐसे प्यारे से मतलब बच्चे को जन्म दिया है, उसकी माँ है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वह ऐसे सुंदर बच्चे का पालन पोषण करती है और उसकी इतनी सुंदर मनोहारी छवि को निहारती है, अर्थात उसका पालन पोषण करती है। और अगला प्रश्न था, बच्चे से स्नेह पाने के लिए संपर्क की क्या भूमिका होती है। तो
तो बेटा बच्चे जो होते हैं संपर्क की ना बड़ी अहम भूमिका होती है, क्योंकि बच्चे उसी से स्नेह करते हैं जिसके वो संपर्क में रहते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं उसी को स्नेह करेंगे, उसी को जानेंगे, उसी को पहचानेंगे जिन लोगों के वे साथ रहते हैं। अतः बच्चों को अपना बनाने के लिए उनके बीच में रहना आवश्यक है। अगर बच्चे से दूर रहेंगे तो छोटा बच्चा जो होता है उसको पहचान नहीं पाता, तो संपर्क में नहीं आएगा, और अगर साथ में रहेंगे तो बच्चा पहचानता है और उन्हीं से स्नेह करता है जिनको वो जानता है। अगला प्रश्न था, मधुपर्क किसे कहते हैं और यहाँ मधुपर्क का क्या सांकेतिक अर्थ है? सांकेतिक अर्थ भी साथ में बताना है। तो मधुपर्क तो हमने आपको अभी बताया ही था कि मधुपर्क जो होता है वो दूध, दही, घी, शहद और जल के मिश्रण से बनता है। एक ऐसा रसीला पदार्थ होता है जिसको बच्चे को खिलाया जाता है, तो उसे मधुपर्क कहा जाता है। और सांकेतिक जो अर्थ है वो सांकेतिक अर्थ यहाँ है कि माँ का आत्मीयता भरा वात्सल्य, माँ का स्नेह, ये सांकेतिक यहाँ पर इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है, कनखी मारने और आंखें चार होने में क्या अंतर है? दोनों ही मुहावरे हैं और इनका अंतर बताना है आपको कि कनखी मारना और आंखें चार होना इनमें अंतर क्या है। तो देखो, कनखी मारने का आशय है तिरछी नज़रों से देखना और फिर मुंह फेर लेना, कि कनखी कान की तरफ से देखना और फिर नज़रें घुमा लेना, मुंह फेर लेना, अर्थात चोरी चोरी देखकर अपनी रुचि, मतलब उसकी तरफ चोरी छिपे देखना और फिर उससे शर्माना। और आंखें चार होना का आशय है कि प्रेम होना, एक दूसरे के प्रेम को स्वीकार करना। जैसे कवि और बच्चा, यहाँ पर कवि ने भी एक बार कनखी मारने मुहावरे का प्रयोग किया कि बच्चा जो था उसको तिरछी नज़रों से देखता है फिर अपना मुंह फेर लेता है। और आंखें चार होने का भी प्रयोग किया कि आंखें जब चार हुई अर्थात वो दोनों एक दूसरे के प्रेम को स्वीकार कर रहे थे। अगला प्रश्न है, आंखें चार होने पर कवि को कैसा अनुभव होता है? आंखें चार मतलब जब दोनों की आंखें मिली, दोनों ने एक दूसरे के प्रेम को स्वीकार किया, तो उसका क्या मतलब उस समय कवि क्या अनुभव करता है? तो आंखें चार होने पर बच्चा जो है वो मुस्कुरा पड़ता है, और जब उसके उगते हुए दांतों वाला चेहरा मतलब उसकी उस दंतुरित मुस्कान को जो थी वो बड़ी ही सुंदर प्रतीत होती है, और कवि उस छवि उस रूप पर मुग्ध हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। अब जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर थे अब हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। कविता कौन सी है हमारी? दंतुरित मुस्कान। और इसी के अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर है बेटा उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, तो अभ्यास के प्रश्न उत्तरों में पहला प्रश्न है हमारा, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कवि के मन पर बच्चे की मुस्कान का जो था वो बड़ा गहरा असर पड़ता है, बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे की जो मुस्कान है वह मन भावन है, मन को अच्छी लगने वाली है, और उसे देखकर कवि को लगता है कि मानो उसके मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। मतलब कवि जो था ऐसा नहीं था कि कवि मरा हुआ था, मतलब उदास जो उसका मन था, नीरस था वो, उसमें प्राणों का संचार हो गया था, मतलब प्रसन्नता का उसके अंदर भाव आ गया था। तो कवि के ऊपर इस प्रकार से उस मुस्कान का बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ता है कि भई उसको बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है वो बड़ी ही मोहक लगती है और मुर्दे में भी जान देने वाली या मुर्दे में भी जान फूंक देने वाली प्रतीत होती है, और उसकी इस मुस्कान से कठोर मन भी पिघल सकता है। अगला प्रश्न था कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो अंतर तो बहुत होता है बच्चे की जो, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वो हर किसी तरह के भाव से, मतलब ईर्ष्या भाव, जलन, इस तरह से उसमें किसी प्रकार का कोई भाव नहीं होता, तो उसकी जो मुस्कान होती है वो बड़ी ही भोली होती है, सरल होती है, निश्चल होती है। निश्चल का अर्थ होता है जिसमें कोई छल कपट न हो। और जो बड़ा व्यक्ति होता है उसकी जो मुस्कान होती है उसमें दिखावटीपन होता है, स्वार्थ निहित होती है। कई बार ऐसा होता है कि बड़ा व्यक्ति अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए भी मतलब मुस्कुराना नहीं चाहता, फिर भी मुस्कुराना पड़ता है उसको, तो स्वार्थ भावना भी छिपी होती है। और जो बच्चे की मुस्कान होती है वो मन में एक उमंग, उत्साह और एक मतलब नवजीवन का संचार करती है।
मतलब उसको देख करके, बच्चे की मुस्कान को देख करके मन में एक खुशी का भाव आता है। और जबकि बड़ों की जो मुस्कान होती है वो बड़ी बनावटी भी होती है, व्यंग्य से भरी हो सकती है। और बच्चा जो है मुस्कान में भेदभाव नहीं रखता, कि छोटे बच्चे की जो मुस्कान होती है वो भेदभाव से रहित होती है, मतलब छल कपट से रहित होती है। किंतु बड़े व्यक्ति की जो मुस्कान होती है वो छल कपट से भरी भी हो सकती है। और जो बच्चे के लिए मुस्कान मतलब एक सहज और स्वाभाविक क्रिया है, कि वो जब किसी को बच्चा देखता है तो उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान का भाव आ जाता है। किंतु बड़ों के लिए ऐसा नहीं होता। बड़े तो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई शिष्टाचार निभाना ज़रूरी है, किसी को हंसता देखा तो मुस्कुराना पड़ता है। तो इस प्रकार से बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में काफ़ी अंतर होता है। अगला प्रश्न है कि कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य के को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो उन बिंबों को आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे कवि ने यहाँ पर बिंब लिए हैं। तो यहाँ पर जो है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बिंबों को लिखेंगे। इसको आप गद्यांश रूप में ना लिखें उत्तर को। तो पहला जो था कि बच्चे की मुस्कान जो थी मृतक में भी जान डाल देने संबंधी जो बिंब के द्वारा प्रकट किया है। दूसरा था कि तालाब छोड़कर झोंपड़ी में कमल खिलने संबंधी। तीसरा आया था कि कठोर पत्थर पिघलकर जलधारा बनने संबंधी, ये यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया। चौथा था कि बांस या बबूल के वृक्षों से शेफालिका के फूल झरने संबंधी। तो ये बिंब थे ऐसे जिनके माध्यम से कवि ने यहाँ पर बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है हमारा, भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव स्पष्ट था कि पंक्तियाँ दी हुई थी इसमें, पहले छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। तो जलजात का अर्थ क्या बताया था, कमल बताया था। तो यहाँ पर भाव यह है कि बच्चे का जो धूल से सना हुआ शरीर है उसकी तुलना कमल के फूल से की गई है, कि धूल से सना शरीर जो है वो ऐसा लगता है कि मानो कमल का फूल तालाब में न खिलकर झोंपड़ी में खिल रहा है। कहने का अभिप्राय यह हो गया कि धूल से सना हुआ जो बच्चे का शरीर है उसको देखकर हृदय रूपी मतलब मन में कमल खिल उठते हैं। और दूसरा इसी में भाव स्पष्ट करने के लिए पंक्तियाँ दी गई है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो इसका भाव यह है कि बच्चे के छू देने मात्र से, कि छोटे बच्चे शिशु के छू देने मात्र से आनंद की इतनी अनुभूति होती है कि मानो बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झरने लगे हों। अर्थात कठोर नीरस हृदय भी जो होता है उस छोटे बच्चे के स्पर्श से सरस हो जाता है। अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति का है। तो इसमें प्रश्न था पांचवा, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण करना था आपने, करना है आपको। कि मुस्कान, और देखो बेटा दोनों ही बिल्कुल भिन्न है एक दूसरे से, सर्वथा भिन्न भाव है। मुस्कान जो होती है वो सबका मन मोह लेती है तथा सभी को अपनी ओर आकर्षित करके अपना बना लेती है, और जिससे कि जो वातावरण होता है उसमें भी सुखद अनुभूति होती है। क्रोध जो होता है वो मन की उग्रता को दर्शाने वाला भाव होता है, और क्रोध जो होता है वो वातावरण को दूषित और बोझिल बना देता है। तो क्रोधी स्वभाव का जो व्यक्ति होता है तो बच्चे जो होते हैं उनको मतलब कोई भी पसंद नहीं करता। तो इस और क्रोध में व्यक्ति सोचने समझने की उसकी शक्ति जो होती है समाप्त हो जाती है, जबकि मुस्कान जो होती है व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित कर देती है। अगला प्रश्न है, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ये तो आप भी देखते हैं कि भाई घर जब बच्चा छोटा होता है तो उसके दांत जो होते हैं वो 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद निकलने शुरू हो जाते हैं, और 1 साल तक उसके आगे के जो दांत होते हैं वो आ जाते हैं। तो बच्चे की उम्र लगभग 6 महीने से 1 वर्ष की हो सकती है, क्योंकि इसी उम्र में बच्चों के दांत निकलते हैं। और जब उनके ऊपर के या नीचे के 2 दांत निकलते हैं तो उस समय जब बच्चा हंसता है तो बहुत सुंदर लगता है, उसकी सुंदरता बड़ी ही अनोखी होती है, अनुपम होती है। तो
इस प्रकार से बच और वो जो मुस्कान होती है वो निर्जीव हृदय में भी जीवन का संचार कर देती है। अगला प्रश्न है, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। कि यहाँ कवि और बच्चे की जो मुलाकात हुई उसका जो शब्द चित्र यहाँ उपस्थित हुआ है उसको आपने लिखना है। तो कवि पहली बार जब बच्चे को देखता है तो उसकी दंतुरित मुस्कान उसको मोह लेती है। बच्चा पहली मुलाकात में कवि को पहचान नहीं पाता, इसलिए जो है कवि को पहचानने के प्रयास में उसे एकटक देखता है। कवि को लगता है कि बच्चा एकटक देखने के कारण थक गया, मतलब वो बिना पलक झपकाए देख रहा था तो उसको लग रहा था कि थक गया होगा, इसीलिए वह बच्चे से दृष्टि हटाने की बात कहता है और बच्चा जो है उसको तिरछी नज़रों से देखता है और उस समय कवि को बच्चे की मुस्कान और भी अधिक मनमोहक लगती है। अब हमने व्याख्यान एक में आपको जो प्रश्न दिए थे तो आपके लिए गृह कार्य बेटा, जो प्रश्न उत्तर अभी हमने आपको समझाए हैं इनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो अभ्यास के ही लिखने हैं आपको, जो हमने पठित काव्यांश के ऊपर आधारित आपको करवाए थे वो आपको उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखने, वो समझने के लिए थे, आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। और व्याख्यान एक में जो हमने आपको गृह कार्य दिया था उसके जो उत्तर है वो आपने लिखे होंगे, तो उनके उत्तर कुछ इस प्रकार से थे। पहला प्रश्न था, एक बच्चे की दंतुरित मुस्कान मृतक में भी कैसे जान डाल देती है। तो जब जो छोटा बच्चा होता है उसके दांत जब निकलते हैं तो उसकी मोहक मुस्कान मृत शरीर में भी जान डाल देती है, अर्थात निराश जीवन को भी सजीव कर देती है, क्योंकि बच्चे की मुस्कान निश्चल और निस्वार्थ होती है। दूसरा था, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पंक्ति का क्या भाव है। तो इस पंक्ति का भाव था कि नन्हे बच्चे का स्पर्श पाते ही पाषाण हृदय भी द्रवित हो जलधारा के समान हो जाता है। अगला था, कवि स्वयं को अतिथि क्यों मान रहा है। तो कवि स्वयं को अतिथि इसलिए मान रहा था क्योंकि कवि लंबे समय तक घर से बाहर ही रहता था। तो आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे और जो हमने कविता के आधार पर आपको बताए वो भी आ गए होंगे। अब आप सुंदर लेख में अपने काम को पूरा करेंगे और प्रश्नों के उत्तर आप याद भी करेंगे।